कहता है टैंक टू टैंक मेथड ही एक्चुअल जो गाड़ी का माइलेज निकालने का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। हमेशा आपको जरूरत नहीं पड़ता है टैंक टू टैंक मेथड का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज को अभी मैं फिलहाल मैं रास्ते पे हूँ। रास्ते पे गाड़ी के बारे में बताना सबसे इजी होता है। तो अभी मैं एक सिग्नल पे खड़ा हूँ और अभी सिग्नल हो जाएगा तो फिर गाड़ी को सिग्नल से आगे बढ़ाते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले तो आप लोग देख ही लिए होंगे, मैं काफ़ी सारा दो एक वीडियो मैं बनाया था जिसमें आप हाईवे में जो ब्रीज़ा का जो माइलेज था वो आप लोग देख लिए हो। तो मैंने लास्ट कुछ दिन से मैं सोच रहा था, जो लास्ट टाइम मैं जब कार में फ्यूल डलवाया था तभी मैं सोच लिया था कि इस बार मैं एक्चुअल सिटी ट्रैफिक में कितना माइलेज निकल के आता है ब्रीज़ा का, वो मेरे को चेक करना है। थोड़ा सॉरी अगर पिक्चर थोड़ा सा काला आ रहा है तो, क्योंकि गाड़ी चला रहा हूँ, धूप छाव को लगा हुआ है थोड़ा सा। तो इसीलिए मैं लास्ट टाइम मैं क्या किया था, लास्ट टाइम मैं जस्ट 1000 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाया था, ठीक है, और किसी एक पर्टिकुलर पंप से जहाँ मैं फिर से जा रहा हूँ उसको मैं फिर से 1000 रुपीज़ का मैं रिफ़िल कराने वाला हूँ। और इन द मीन वाइल मैं लगभग जब एक एक डंडी जब रह जाता है तब मैं उसको रिफ़िल कराया था 1000 रुपीज़ का। और अभी मैं पेट्रोल पंप में जाके फिर से अपना 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाऊंगा। और लगभग मतलब क्या बताएं आपको, जितना जब टैंकी पे जो तेल था उसी हालत में मैं फिर से आज को रिफ़िल करा रहा हूँ। और तो पहले रिफ़िल कराने से पहले मैं आपको पूरा डेटा शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए जो डीजा 1.5 पेट्रोल इंजन का एक्चुअल सिटी में माइलेज क्या है। तो चलिए MID की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं, और रिफ़िल करने के बाद फिर से एक बार बात करते हैं। तो दोस्तों, ये फिलहाल ऐसा कुछ है MID का पोजीशन। लास्ट टाइम मैं जब फ्यूल भराया था तभी भी इसका जो एक ही जो पॉइंट वो बचा हुआ था। तो उसके बाद मैं जब हमेशा जब मैं फ्यूल भरवाता हूँ तो हमेशा मैं जो MID है मैं रिसेट कर देता हूँ हर एक चीज़ को, कितना जो माइलेज का एवरेज माइलेज का रिसेट कर देता हूँ, किलोमीटर का मैं रिसेट कर देता हूँ जानबूझ के, जस्ट टू चेक, जस्ट टू मेक श्योर जहाँ कितना माइलेज आ रहा है। तो चलिए अभी MID को थोड़ा सा टॉगल करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आया है। तो लास्ट टाइम मैं जब फ्यूल भरवाया था उसके बाद मैं 101.5 101.5 किलोमीटर मैं गाड़ी चला चुका हूँ, और गाड़ी का जो फ्यूल का जो मीटर है वो लगभग उतना में ही है। तभी भी एक डंडा बचा हुआ था और उसके बाद मैं 8 किलोमीटर गाड़ी चलाया था, फिर मैं रिफ्यूल किया था। तो अभी भी मैं वही करने वाला हूँ। तो अभी भी जस्ट 8 किलोमीटर चलाया हूँ मैं, यस, एक डंडा घटने के बाद, एक पॉइंट घटने के बाद। तो अभी रिफ़िल करते हैं तो फिर एक्चुअली मेरे को पता चल जाएगा जो 1000 रुपीज़ का पेट्रोल, जो कलकत्ता में अभी पेट्रोल का प्राइस है लगभग 106 रुपया, 105 रुपया 97 पैसा, 105 105.97 पैसा पर लीटर। तो उस हिसाब से अगर 1000 रुपीज़ का तेल डलवाते हैं तो लगभग कितना होता है, मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कितना होता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एज पर MID क्या माइलेज शो कर रहा है। और ये प्योरली प्योरली सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, कलकत्ता का ट्रैफिक वो भी ऑफिस आवर में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस हालत में जो माइलेज निकल के आया है एज पर MID, अभी मैं फिलहाल MID का बताता हूँ, फिर फ्यूल प्राइस और कितना डिस्टेंस चला है कैलकुलेट करके मैं आपको एक्चुअल भी बताता हूँ मेरे हिसाब से क्या निकला है। तो MID का हिसाब से जो माइलेज निकल के आया प्योरली सिटी में, दैट इज 11.6 11.6 किलोमीटर का पर लीटर का जो माइलेज एज पर MID दिखा रहा है। तो अभी MID से मैं देखूंगा कितना डिफर कर रहा है एक्चुअल जो फ्यूल है उसके, मतलब जो डलवाए थे और जो गाड़ी चलाए उसके हिसाब से एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तो दोस्तों, अभी जो 1000 रुपीज़ का पेट्रोल आप कलकत्ता में डलवाते हो, 105 रुपया 57 पैसा करके जो प्राइस है उसका, तो उस हिसाब से आपका 9.43 लीटर आपका तेल आता है। और 9.43 लीटर तेल में मेरा गाड़ी जो चला है 101.5 किलोमीटर, दैट्स मीन 10.76 का माइलेज, एवरेज माइलेज निकल के आ रहा है ब्रीज़ा पेट्रोल 1.5 लीटर का, प्योर एंड प्योर सिटी बम्पर टू बम्पर ट्राफिक में, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो है नहीं। और मैं लेकिन उतना भी रैश या फिर फास्ट ड्राइव नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ माइलेज निकालने का। तो उस हिसाब से भी 10.76 का माइलेज निकल के आया है। तो आप, दिस इज़ द
पी और आर में इसका जो कैलकुलेशन मैं जो किया था अभी मोबाइल पे मैं जो किया था वो मैं आपको ऊपर में छोड़ देता हूँ, आपको देख सकोगे कि आप पेट्रोल का प्राइस मैं कैसे कैलकुलेशन मैं किया हूँ। तो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ ब्रीजा पेट्रोल 1.5। इस हिसाब से, इस वीडियो के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, जो आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बो पेट्रोल लेना है या फिर 1.5 लीटर का ब्रीजा। चलाने में मस्त है, कहीं पर कुछ आवाज नहीं मिलेगा आपको। ब्रीजा इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी इन दिस सेगमेंट। मैं हमेशा से मारुति का फैन रहा हूँ, अभी भी मैं हूँ, और बाकी जो मारुति का जो भी बिल्ड क्वालिटी वाला इशू है ब्रीजा के साथ, वो इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, कुछ भी मदद मिला है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग के पास, किसी के पास भी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ब्रीजा है, तो आपका सिटी में माइलेज क्या निकल के आता है वो काइंडली कमेंट करके मेरे को नीचे बताइएगा, ताकि मेरे को भी पता चले मेरे को कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, या फिर आप लोग अगर ज़्यादा माइलेज मिल रहा है तो आप लोग कैसे निकाल रहे हो, वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी अपना ड्राइविंग थोड़ा सा सुधार सकूँ। क्योंकि मैं तो जितना भी कोशिश करके देखा हूँ, 10, 10.5, 11 से ज़्यादा मैं निकाल नहीं पाया हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा निकाल पाते हो तो कैसे निकालते हो वो मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं भी अपना ड्राइविंग को थोड़ा सा सुधार लूँ। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।